हेलो दोस्तों, यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम नज़दीकी है और अगर आप चाहते हैं कि आपके यूपी डीएलएड एग्ज़ाम की मैथ में आपके 25 में से 25 नंबर आएँ तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सीरीज की एक पूरा क्रैश कोर्स देने वाला हूँ, जिससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में 25 में से 25 लेकर के आ सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट है। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। और जहाँ पर हमने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं और हमारे जो दोस्त होते हैं वो इस तरीके क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं और वो अपने मार्क्स को क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को करना कैसे, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो ये वाला टर्म दिया है ना आपको, जो यदि वाला टर्म मिले आपको क्वेश्चन में, जो यदि वाला टर्म आपको मिलता है ना, तो यदि वाला टर्म को आपको करना क्या है, आपको दोनों तरफ इसका वर्ग कर देना है। सिंपल सा दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो आप जैसे इसका वर्ग करेंगे, यानी कि हम इस साइड का ये अलग और ये 3/2 जो यहाँ पर है, मतलब इक्वल के बराबर के जो इस साइड में, इसका अलग वर्ग करेंगे और इसका अलग वर्ग करेंगे। तो अब आप इसका जैसे वर्ग करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का वर्ग बन रहा है ना, यानी इस तरीके का जो आपने पढ़ा होगा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन रहा है ना इस तरीके का, ये ये बनना। तो आपने पता है इसका होता क्या है, इसका ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यही होता है कि नहीं होता। तो इसी तरह से आपको सेम इसको करना है। तो आप जैसे इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा कितना था 1/x था, तो 1/x स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए, ए हमारा क्या है x गुणा बी, बी हमारा क्या है 1/x, इक्वल का साइन था, इक्वल का साइन लगा दिया हमने बराबर का। और 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि गुणा में है तो x से x कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x, हमारा जो ये माइनस का 2 बचेगा ना, केवल माइनस का 2, इसको हम उस साइड में अगर ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यानी बराबर के अगर हम इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये यहाँ पर ये माइनस का है और माइनस का जब ये इस साइड में आएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा। तो अब आपको करना कैसे, सिंपल सा आपको इसको सिंपल सा इस तरीके से करना है। अब आपको करना कैसे है, आपको ऐसे करना है, जो ये दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, यानी इस हमें तो इसी की तो वैल्यू निकालनी थी ना, और यही तो हमारा ये आ गया है, ये टर्म आ गया है ना। तो बस आपको सिंपल से इतना सॉल्व कर देना है, यानी कि ये कितना लिखा है 9/4 प्लस के 2, यानी कि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो 9/4 प्लस 2 का हम इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4, और 4 × 4 यानी कि 9 प्लस 2 से 2 के नीचे हम 1 मानेंगे तो 1 से करेंगे 4, 4 × 2 = 8, तो 8 × 9 कितना हो जाएगा हमारा, 8 × 9 हो जाएगा 17, और 1/2 हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 17/4 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हुआ। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको इसका स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है और बराबर के इस साइड में इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि यदि वाला जो आपको पार्ट है ना उसको बस आपको सॉल्व करना है बस। अब जैसे आप इसका सॉल्व करेंगे स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab एक बराबर 9/4, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स हमारी कट जाएगी, तो जो माइनस के 2 होगी वो उस साइड में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। और ये जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना सॉल्व करेंगे हम, यानी कि 9/4 प्लस 2 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17/4 आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो अब आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी तरह हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स प्लस 5 पे वर्ग चढ़ा है, हमें इसका मान निकालना है। तो आपको दोस्तों ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से ये क्वेश्चन है ना। और आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, यही होता है कि नहीं होता। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, यानी एक्स प्लस 5 पे वर्ग है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले टर्म का वर्ग
प्लस सेकंड टर्म हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे प्लस 2 गुणा ए हमारा क्या है x गुणा बी हमारा कितना है 5, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 और ये x गुणा इसमें आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 25 प्लस 10 एक्स हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको रेज करते हैं। जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है x प्लस 3 गुणा तथा x माइनस 3 का क्या करना, हमें गुणनफल बताना है, यानी इसका गुणनफल आपको बताना है। आपको जब भी कोई सेम नंबर आपको दिखे बस उसमें साइन चेंज हो आपका, यानी कि यहाँ पर प्लस है साइन और यहाँ पर माइनस है साइन, तो इस तरीके का आपको मतलब कभी भी दिखे और आपके ये नंबर सेम हो, यानी जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, इस तरीके का आपको अगर क्वेश्चन दिखे और उनका आपको गुणनफल करना हो तो आपको करना कैसे, सिंपल सा आपको ये एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि दोनों के बीच का जब गुणा होता है, मतलब जहाँ पर हमारा ये a सेम है और b, यहाँ पर b हमारा सेम है, बस यहाँ पर साइन माइनस का है यहाँ पर साइन प्लस का है, तो इस तरीके का आपको जब भी दिखे तो आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको पहले नंबर का स्क्वायर कर देना है माइनस और सेकंड नंबर का भी आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ये आपका आंसर होगा, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको बताया, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर कितना है हमारा b, यानी कि 3 का स्क्वायर, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस के 9 इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे दोस्तों आपको ये सर्वसमका का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, अगर आपको इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन करने हो तो आप करेंगे कैसे। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन दिया है 51 पे वर्ग, हमें इस तरीके का मतलब सर्वसमका का हमको प्रयोग करना है और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना कैसे है, तो आपको इसको सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आपको क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है। और यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे कैसे, यानी a और b नंबर में कैसे तोड़ना है आपको 51 को, तो आपको क्या करना है, जिसके नज़दीक जीरो हो, मतलब जो जीरो मतलब जीरो के नज़दीक जैसे संख्या हो, जैसे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, ऐसे हों, इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इस नंबर को 51 को। जैसे 51 को अगर हमें तोड़ना है तो हम 51 को लिख सकते हैं 50 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 1 यही होगा ना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 × a × b, यही होता है कि नहीं होता। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अब आपको सिंपल सा ये करना है, मैंने अभी आपको बताया था कितना 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 × 50 × 1, यही बताया था ना मैंने, 50 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 × 5 में कर देंगे तो 25 और 0 का 0 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग कितना करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस हम इसका गुणा कर देंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे तब भी 100 ही रहेगा। अब आप इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2601 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 2601 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जब आप इसको सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यानी कि अगर हमने आपको जैसे यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, जैसे ये था हमारा कितना था 2500 प्लस हमारा कितना था 100 प्लस हमारा कितना था 1 था, सभी को जोड़ देंगे तो 1 ये 0 5 और 1 6 और ये 2 यानी कि 2601 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना कैसे है।
और अगर जहाँ पर हमें ये 99 का स्क्वायर निकालना होता, अगर 99 का हमें वर्ग निकालना होता, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है। अब हमें पता है ये 100 के पास में है, मतलब 100 के ज़्यादा नज़दीक है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 - 1 का वर्ग, और आपको पता है ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 × a × b, यही होता है ना। तो आप इसी तरह से इसको कर दो, यानी पहले नंबर का वर्ग प्लस सेकंड नंबर का वर्ग प्लस वो माइनस, ये माइनस है, माइनस 2 × पहला नंबर × सेकंड नंबर, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस 2 × 100 × 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आपको इसमें से सिंपल सा क्या कर देना है, इसको इसको जोड़ करके इसको क्या कर देना, आपको घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको बस इतना इतना क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इतना तो आप दोस्तों कर ही लेंगे, तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी आसान तरीके से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम कुछ और क्वेश्चन अगर जैसे देखते हैं, तो कुछ कुछ और क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की नज़र से, तो उनको कैसे करना है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, x + 9 का वर्ग का मान निकालना है, तो इसका मान आप निकाल लेंगे a + b का होल स्क्वायर करके। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये है और ये है, इनका आपको क्या करना है, गुणनफल करना है। तो इसका और इसका आप गुणनफल कैसे करेंगे, इसका इसका आपको गुणनफल पता है कैसे करना है, आपको जो पहला नंबर है ना, पहले नंबर का पहले आप इन सभी में गुणा कर दीजिए, सिंपल सा। जैसे हम करके देख रहे हैं, 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब x पे घात कितनी, 2 है, यहाँ पर x पे घात कितनी, 3 है, और हमने पढ़ाया है कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़े जाती हैं। तो x तो हो गया, यहाँ पर 2 थी घातें, यहाँ पर घातें कितनी थी, 3 थी, तो घात कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, यानी कि ये कितना हो गया, 10 x पे पावर 5, यानी x पे घात 5। अब इसी तरह से इसको हम हटा दें,